दिख रहा है स्क्रीन? दिख यस रही मैम, है? ठीक है, यस मैम। ओके। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? ठीक है, नॉर्मली हम लोग जब भी कुछ भी खरीदते हैं, देते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो पहले क्या करते थे, सीधा कैश दे दिया और सामान ले लिया। लेकिन फिर कैश के खोने का या चोरी हो जाने का या किसी भी तरह से उसका नुकसान हो सकता है और फिर वापस नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। इसीलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया बिजनेस में, राइट। कि अगर आपको हैवी अमाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो यू नॉट नीड टू कैरी दैट मच मनी, या फिर आपको उतना पैसा कैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग फंड ट्रांसफर या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सोचो 1881 के बारे में, उस समय ये सभी सुविधाएं नहीं थी, है ना। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप पैसे कैरी करिए, तब आप दे सकते हैं जिससे भी आप बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। तो उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? कैश के बदले में आपको एक पीस ऑफ पेपर समझ लो, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपका वो अमाउंट। मान लो कि 2 लाख का ट्रांजेक्शन है, तो तुम्हारे पास अगर कोई चेक है 2 लाख रुपीज का, तो उसका भी वैल्यू सेम है ना। लेकिन इसमें जी फायदा क्या है कि अगर चेक खो गया, तो जैसे अगर आपका 2 लाख रुपया चोरी हो जाता है, तो वो रिकवर होना इम्पॉसिबल सा ही है। इस केस में अगर आपका चेक खो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यू कैन डू स्टॉप पेमेंट, है ना। आप बैंक को उस चेक नंबर को देकर के तुरंत स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं, तो आपका जो बड़ा नुकसान हो सकता था वो होने से रुक गया। इसी पर्पस से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को लाया गया। इसमें है क्या कि सबसे पहले निगोशिएबल मीन्स क्या होता है, ट्रांसफरेबल, मतलब इजिली ट्रांसफरेबल। पैसे का कैसा है, इजिली दे कैन मूव ना। जैसे मैंने किसी दुकानदार से 500 रुपए का मान लो कुछ सामान खरीदा, अब वो दुकानदार उस वो 500 रुपए किसी और को दे करके और सामान ले सकता है, फिर आगे वो जा सकता है। तो इट कैन बी इजिली मूवेबल, है ना, कहीं से भी कोई भी उस पैसे को ट्रांजेक्शन में ला सकता है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट का भी क्या है कि वो इजिली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट टू कैश है। इसको हम कहीं होल्ड करके नहीं रखेंगे, ये इजिली ट्रांसफरेबल है ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, और सो एंड सो लॉन्ग जा सकता है, जब तक कि वो अपने मैच्योरिटी डेट को गेन ना कर ले। जिस दिन उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसके बाद आप उसको नहीं फर्दर ट्रांसफर कर सके, उस दिन आप उसको बैंक में जाइए और विड्रॉ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चेक पे डेट लिखा हुआ है, सपोज करो चेक कब तक वैलिड होता है, नॉर्मली चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, राइट। 3 मंथ तो सपोज करो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को वो चेक ड्रॉ किया गया है, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है ना, उसके बाद वो वैलिडिटी खत्म हो गई। तो 1 अक्टूबर से पहले चाहे आप उसको जिसको भी ट्रांसफर करना है कर दीजिए, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है ना, आप कर सकते हैं उसको, और वो चेक उसका हो गया, वो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद नहीं, क्योंकि वो उसके बाद स्टेल चेक हो जाएगा, ठीक है ना, बेकार हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा, राइट। तो ये भी निगोशिएबल मीन्स होता है इजिली ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, और अब उसका उस इंस्ट्रूमेंट पे राइट हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफरेबल होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है पहला सिंपली बाय डिलीवरी, जैसे बेयरर चेक होता है। मैं चेक बार बार इसलिए अभी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यू ऑल कैन कनेक्ट विद चेक। अगर मैं प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलूंगी तो अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन चेक किसी ना किसी फॉर्म में हम सबने देखा है अभी तक, राइट, है ना। यस मैम, वो या किसी फादर का हो या किसी और का हो, या हमको कभी स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिले हो, किसी भी रूप में हो, कभी ना कभी हम सब ने चेक को छुआ है, देखा है, तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में वी कैन मेक आउट, ठीक है ना। अदरवाइज मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम लूंगी, नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार अभी चेक ही से काम चला रही हूँ। तो चेक का क्या है कि मान लो अगर वो बेयरर चेक है, बेयरर चेक का मतलब कि नाम से, ठीक है ना, रोहित के नाम से वो लिखा हुआ चेक है, दैट मीन्स वो रोहित का है, ठीक है ना। अगर वो चेक कहीं गिर जाता है, तो बेरर चेक का गिरने का मतलब है आपके उतने अमाउंट के पैसे का खोना या गिरना और किसी और को मिल जाना, ठीक है। उसको आप
रोक नहीं सकते, क्योंकि बेयरर चेक का मतलब तो है, बेयरर मतलब होल्डर, जिसके पास वो है उसको पूरा अधिकार है कि जो भी अमाउंट है वो बैंक में जाए और वो प्रेजेंट करेगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगी, कोई उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं लिया जाएगा, कुछ उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, क्योंकि बेयरर का मतलब ही होता है कि इट कैन बी पेड टू एनी बडी हु प्रेजेंट्स दैट चेक टू द काउंटर, राइट। यस मैम। तो बेयरर चेक में वो सिक्योरिटी नहीं है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर फिर भी इजिली डिलीवरेबल है उसको। आप क्या कर सकते, सिंपली आपने रोहित ने दे दिया अमित को, उसने दे दिया अक्षय को, उसने किसी और को, और वो जाकर के प्रेजेंट करे और ले सकता है। तो बहुत सिंपल रखने के लिए बेयरर चेक है। तो बेयरर चेक या बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, सिंपली बाय डिलीवरी वो उसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चेक होते हैं जिसपे आपको नाम लिख करके सिग्नेचर करके फर्दर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बियरर स्ट्रक है चेक में से, अगर बियरर स्ट्रक है, कटा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, वही चेक, और वो चेक आप कैसे दूसरे को दे सकते हैं, तो फर्स्ट इंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब उसके नाम से पहले वो चेक को बनाइए, फिर सिग्नेचर करिए और फिर आप उसको दे दीजिए, वो उसका चेक हो गया। अब वो चेक का पैसा जब भी आएगा उसके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। ओवर द काउंटर वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है, जब भी वो भरेगा स्लिप डाल के भरेगा, अपना अकाउंट का डिटेल डाल के भरेगा, एंड बैंक विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट फ्रॉम द मेकर टू द पेज अकाउंट। मेकर यानी जिसने उसको ड्रॉ किया है चेक को, ड्रॉअर, और जो ड्रॉई है उसके अकाउंट में वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो दो तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। कौन कौन सा तरीका है? पहला है बाय डिलीवरी, सिंपल बाय मियर डिलीवरी लाइक बेयरर चेक, और दूसरा है बाय डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उसके नाम से इंडोर्स करिए, बनाइए और फिर आप उसको दीजिए, जो कि वो उसके अपने उसके खाते में जिसका रकम पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये निगोशिएबल होना चाहिए, फ्रीली निगोशिएबल का मतलब विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है ना। ये नहीं लिखा रहेगा कि फलाना काम होगा फिर वो तुम चेक विदड्रॉ कर सकते हो, नहीं। आप चेक दे रहे हैं मतलब कि वो उस डेट को, जो डेट उस पर मेंशन है, उस डेट से लेकर के 3 महीने के अंदर कभी भी उस चीज को विदड्रॉ कर सकता है। अब्सोल्यूट होता है, अनकंडीशनल होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब इस एक्ट में 3 तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ना है। पहला है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है चेक। इसके अलावा ये एक्ट बाकी सारे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहा कि हम बाकी को प्रॉमिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। अगर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है तो ठीक है, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जैसे कि डिवेंचर्स, ठीक है ना, जैसे कि शेयर्स, ठीक है, जो हम इशू करते हैं। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आप कह सकते हैं कि ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है। उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में उसको इंक्लूड भी नहीं किया गया है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट्स, जो ये 2 पॉइंट्स है, अगर उस दोनों पॉइंट्स को या दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो ठीक है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और अगर वो नहीं करता है तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? कुछ चीजें हैं जो मना किए गए हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल मार्केटिंग या इस तरह का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप लोगों ने डॉकयार्ड या फिर बिल ऑफ लैडिंग का नाम सुना होगा। पढ़ा है कभी इस तरह का कुछ? क्या? नो मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? जैसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से जो सामान शिपमेंट में डाला गया है उसका पूरा लिस्ट होता है, ठीक है। और वो लिस्ट एक मेरे पास होगा, जो मैं मान लो कि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ या एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक जाएगा शिपमेंट कंपनी के पास और दूसरा जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके पास। तो वो सिर्फ एक लिस्ट है जो कि मेरे से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच का डॉक्यूमेंट है। शिपमेंट के पास वो जरूर है, लेकिन शिपमेंट के पास क्या है, सिर्फ टेम्पररली, जब तक उसको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक डिलीवर नहीं किया गया तब तक बस वो उस सामान को होल्ड कर सकता है। उसके पास उसका ओनरशिप तो नहीं ट्रांसफर होता ना, शिपमेंट कंपनी के पास उस गुड्स का ओनरशिप तो नहीं ट्रांसफर होता, राइट। Yes, ये सारे जो बिल है वो आपको ओनरशिप का अधिकार नहीं दे रहा, बस आपको ट्रांसपोर्टेशन तक का आपके पास होल्डिंग का राइट है, इसीलिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
ठीक है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी हर्षित ने मेरे नाम से कुछ इश्यू कर दिया तो वो मेरा हो गया, राइट। अब मैं उसको कभी भी अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरीके का वो अनकंडीशनल और फ्रीली मूवेबल होता है, राइट। तो इसीलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है, जिसमें मनी ऑर्डर होता है, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग्स होता है। अगर आप लोग वो पढ़ेंगे जब भी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देर आर सर्टन जो वारंट वारंट्स है, शेयर वारंट्स जो कंपनी इशूज करती है आपके नाम से इशू कर दिया, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो ये लॉ बोलता है कि हम तीन को ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड करते हैं, जो कि प्रॉमिसरी नोट है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि कस्टम एंड ट्रेड एंड कस्टम के हिसाब से मान लो कहीं कहीं यूज किया जाता है, जैसे कि रूरल एरियाज में हुंडी होता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो हुंडी को यूज किया जाता है, तो वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अगर वो इस सारे करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है तो, राइट। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, कहीं अगर अटको तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। सबसे पहले ये राइटिंग में होना चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अभी मैं आप लोगों का कॉपी चेक कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग ओनली, इज इट सो? बहुत कम बच्चों ने लिखा है ऐसा, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा कॉपी लिखा है, हाँ, पर इसका क्रेडिट आपको नहीं जाता है कम्प्लीटली, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सिलेबस था अभी, तो अभी अगर अच्छा नहीं लिखते तो ये बहुत खराब बात होती। लेकिन बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग फॉर्म ओनली, इज इट सो? नहीं, वो राइटिंग भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, बट राइटिंग में इसलिए होना चाहिए ताकि आप उसको बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो आप उसको प्रूफ कर सके, आपके फेवर में वो चीज आ सके। इसीलिए अगर रिटन है तो अच्छा है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरल बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमेशा इन राइटिंग, कोई भी ओरल प्रॉमिस विल बी नॉट रिगार्डेड एज प्रॉमिसरी नोट या फिर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो है, वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, चेक हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रॉमिसरी नोट है, हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है राइटिंग। दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया, फ्रीली ट्रांसफरेबल या इजिली निगोशिएबल, ठीक है। निगोशिएबल का मतलब होता है सिंपल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो वो इजिली निगोशिएबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे एब्सोल्युटली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और वो चीज आप उसका हो जाएगा। ये ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, अभी बताया, डिलीवरी एंड ऑर्डर। डिलीवरी मतलब सिंपल, मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में गया, वो चेक तुम्हारा हो गया, पूरा का पूरा उस पर तुम्हारा हक है, ठीक है। और अगर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है, तो सबसे पहले मुझे अपना नाम स्ट्रक करके तुम्हारा नाम डालना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें वो दूंगी। अब ये हो गया बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट अनकंडीशनल एंड इजिली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, क्लियर। इस पर अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था। थर्ड है, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स का मतलब, टाइटल मतलब अब आप लोग समझते हैं क्या होता है, टाइटल का मतलब ओनरशिप। वेरी गुड, एक सेकेंड, ये चार्ज में तो लगा है। हर्षवर्धन सर है क्या यहाँ पे? सर ये चार्ज में लगा फिर भी लो दिख रहा है, एक पढ़ा के चेक कर लीजिए। ये चार्ज में लगा है फिर लो क्यों हो रहा है, देख लीजिए। ओके, ठीक है, टाइटल ऑफ फोल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स का मतलब है कि जिसके पास भी हो रहा, जिसके पास भी वो चेक है या वो इंस्ट्रूमेंट है, चलो अब हम इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसका उस पे जो राइट है वो फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स है। सपोज करो कि हर्षित को या फिर तोशी को कोई चेक कहीं पे गिरा मिला, ठीक है ना, मानते हैं कि कोई गिरा मिला, यानी कि जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो आपके गुड टाइटल्स में होना चाहिए, बोनाफाइड राइट उसका आप पे होना चाहिए। आपने उसको क्यों देते हैं, हम पैसे क्यों देते हैं दुकानदार को, क्योंकि उनसे कुछ सामान लिया है ना उतने पैसे का,
4,000 का सामान लिया, 4,000 हमने उसको पे कर दिया, तो सामान कंसिडरेशन है ना यहाँ पे, कंसिडरेशन के बदले हमने पैसे दिया, तो उसी तरह चेक क्यों देंगे किसी को, या तो वो उतने अमाउंट का काम करेगा हमारे पास, या फिर हमने उसका उतना लिया होगा कभी तो अब वो वापस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसके एक्सचेंज में हुआ होगा, है ना, तब हम चेक इशू करते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट देते हैं, उतने का सामान लिया है तो हमने उनको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो इस तरीके से क्या होता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो जो हमारे पास अभी वो इंस्ट्रूमेंट है, अगर मुझे वो कहीं गिरा मिला, तो चेक हमें कहीं गिरा मिला, ठीक है ना, वो चेक मैंने क्या किया कि लिया, और मैंने किसी से 5,000 का सामान लिया था, वो चेक मुझे रास्ते में मिला, मैंने उठाया वो चेक उसको दे दिया, बेयरर चेक है, उसने पेमेंट ले लिया, ठीक है। अभी मैं जो बीच में आई हूँ, जिसको वो गिरा पड़ा मिला और मैंने अपना कोई कर्जा उतार लिया उससे, मैं क्या हूँ, बोनाफाइड होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक नहीं हुआ, आई एम नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स इन ट्रू सेंस, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू हैव दैट मच मनी, है ना, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे तो वो गिरा मिला और मैंने ले लिया, कायदे से मुझे वो वापस कर देना चाहिए या फिर वो मेरे मतलब का नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बेयरर चेक था और मैं उसका फायदा उठा सकती थी तो मैंने उठा लिया, तो डिफेक्टिव है वो, ठीक है ना, लेकिन डिफेक्टिव कौन है, मैं हूं, तोशी नहीं है, क्योंकि तोशी को मैंने अगर वो चेक दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि तोशी से मैंने कुछ लिया था उसके बदले में, तो वो ट्रू ओनर है, उस वो बिल्कुल डिफेक्ट फॉल्टलेस है, उसके पास वो चेक है तो बिल्कुल वो सच ट्रू सेंस में उसकी ओनर है, लेकिन मैंने जो लेकर के दिया, तो अगर कभी भी ये बात निकल के आएगी कि वो कैसे पहुंचा तोशी के पास, तो तोशी से वो वापस नहीं लिया जाएगा, तोशी से वो क्लेम वापस नहीं लिया, किससे लिया जाएगा, मेरे से लिया जाएगा, क्योंकि गलत इस्तेमाल किसने किया, मैंने किया, तो अगर कोई प्रीवियस होल्डर, ठीक है ना, उस चेक का डिफेक्टिव टाइटल है उसका, यानी वो ट्रू सेंस में उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बियर कर रहा है, उसके पास वो गलती से चला गया किसी रूप में, तो प्रीवियसली अगर कोई होल्डर है जो डिफेक्टिव है, तो भी अभी वो जिसके पास है, वो अगर उसका बोनाफाइड राइट है, अगर उसने उसके एवज में कुछ किया है और तब वो चेक उसको मिला है या इंस्ट्रूमेंट उसको मिला है, तो वो उसका क्या है, राइट क्या है, फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास तो वो काम के बदले में पहुंचा है ना, समझ में आया, नहीं बोलो मैं रिपीट करूंगी, ठीक है, यानी कि जो होल्डर होता है उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट होता है, पहले वाले भले ही डकैती करके लाए हो वो चेक, ठीक है ना, किसी से किसी को गन पॉइंट पे धमका के लाए हो वो इंस्ट्रूमेंट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो हमारे काम के बदले में मिला है, ठीक है ना, इससे पहले क्या हुआ ये कहानी से मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी अभी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, यस यस मैम, अगर इसको और थोड़ा अच्छे समझना तो यूं समझ लो कि कोई बैंक रॉबरी करके पैसा लूटता है, ठीक है ना, या किसी के घर में डाका डाल के पैसा लूटता है, ठीक है, और उस पैसे से उसने कुछ खरीद लिया, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो जिससे उसने दुकान में जाकर के गया और फोर्ड फ्रीस्टाइल खरीद के ले आया, राइट, तो क्या उस दुकानदार की कोई प्रॉब्लम है, क्या वो दुकानदार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नो मैम, नहीं ना, जो जिसने डके थे क्या उसको पकड़ो, हमने तो ट्रू सेंस में डिलीवर किया ना, समझ लीजिए कि वैसे ही है इंस्ट्रूमेंट, सेम वैसे ही जैसे पैसा होता है, तो जिसके पास है उसके लिए वो सही है, अगर उसने कुछ उसके पास उसके एवज में उसने अगर कुछ कंसिडरेशन दिया है, कुछ काम किया है, तो ठीक है, फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट आए फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ है राइट्स, ठीक है, अब जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी का मतलब जिसके पास वो पहुंचा है, ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी, तो ए ने बी को दिया, बी को सी, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, दीज सी डी बी, दीज आर ट्रांसफरी, जिसके पास वो फर्दर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहुंचा, अगर किसी भी तरह से वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, ठीक है ना, डिसऑनर मतलब कि आपने बोला था कि एक हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, आपने ये डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है कि 10 तारीख से 15 के बीच में आपको पेमेंट हो जाएगा, और हमने उस बीच में आपको प्रेजेंट किया वो इंस्ट्रूमेंट, एंड देन यू डिनाइड, कि कुछ भी कह दिया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, या फिर वो आदमी ही आउट ऑफ स्टेशन है, हम नहीं दे पाएंगे, किसी भी तरीके से आपने ये कह दिया और वो आपने उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं पे किया, ठीक है, तो वो चेक क्या माना जाएगा या वो इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है कि आपने जो प्रॉमिस किया था, ठीक है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, इट इज अ प्रॉमिस टू पे यू ऑन अ फ्यूचर डेट, राइट,
चाहे वो चेक के थ्रू हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट के, ये एक तरीके का प्रॉमिस ही है ना कि मैं आपको फलाना डेट को पे कर दूंगा, अभी मैं आपसे क्रेडिट पे सामान ले रहा हूँ और फलाने डेट को मैं ये पे कर दूंगा, वही है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप फलाने डेट को मेरे प्रेजेंट करने के बाद भी नहीं पे किया तो क्या हो गया, आपने अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया, यानी यू डिसऑनर्ड योर वर्ड्स, राइट। तो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना, कोई उसका तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो जा करके उसको सीयू कर सकता है, जिसने भी वो डिसऑनर्ड किया है, यानी जिसका भी राइट बनता था पे करने का, जिसने वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, ड्रॉअर को सीयू कर सकता है कि हमें ये पेमेंट नहीं मिला। और वो सीयू करने से पहले ऐसा नहीं है कि वो पूछने जाएगा अपने प्रायर ट्रांसफर से, सपोज करो, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने तोशी से कुछ सामान लिया, ठीक है ना, और तोशी ने मुझसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा के ले लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा मैं बता दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि तोशी ने एक प्रूफ रख लिया कि देखिए भाई आपको मैंने 50,000 का सामान दिया, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट, इसको आप साइन कर दीजिए, मेरे पास ये एक प्रूफ रहेगा कि आपने मेरे से 50,000 का सामान लिया है, करेक्ट। अब तोशी ने वही इंस्ट्रूमेंट किसी और से 50 लाख रुपए का सामान लिया, 50,000 दे दिया और 50,000 की जगह पे क्या कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट टू मनी है ना भाई, ये ले लो, तुमको एक महीने के बाद इसका पेमेंट मिल जाएगा, देखो इस पे लिखा हुआ है इतने। तो वो पेमेंट कौन करेगा, मैं करूंगी या तोशी करेगी, कम ऑन, कौन करेगा वो पेमेंट, तोशी ने किसी सी को, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया वो चेक, सपोज करो कि रूपाली को दे दिया, तो अब रूपाली किससे पेमेंट लेगी, तोशी से या सोनी मैम से, मैम तोशी से, तोशी से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, वो मुझसे लेगी, क्योंकि उसको मैंने साइन करके तोशी को दिया हुआ है ना कि ठीक है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको तोशी ने, जब मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो उसने बोला कि मैं आप साइन कर दीजिए और ये डेट है, इस डेट पर आप इसको जो भी प्रेजेंट करेगा उसको आप पे कर दीजिएगा, है ना, जरूरी नहीं। अब तोसी का क्या है, बिजनेस है यार, वो अपना काम करती रहेगी, वो आगे उसे सामान लाती रहेगी, तो उसके पास पैसे नहीं है, जैसे मैंने उससे उधारी पे ली, उसने उस तरीके से फर्दर किसी और से उधारी पे लिया, उसके बदले में क्या दिया उसको, उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जो पर्टिकुलर डेट को पेएबल है, ठीक है ना। तो अब वो तोसी का कोई मतलब नहीं है, वो सीधा मैं उसको पे करूंगी, और अगर मैंने, क्योंकि सिग्नेचर मेरा है ना मेरा सिग्नेचर उस पे कि मैं पे करने का प्रॉमिस कर, अगर मैंने पे नहीं किया तो डिसऑनर कौन कर रहा है उस चेक को, मैं कर रही हूँ उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर, क्योंकि मैंने तो उसी को ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये पेमेंट करूंगी फलाने फलाने डेट को, ठीक है ना। अब तो अभी तो हमने सिर्फ 3 ही लोगों को लिया है, मैं, तोशी और कोई थर्ड पार्टी, ऐसे 15 आदमी हो सकता है, और 15वां आदमी भी अगर उसको प्रेजेंट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को तो किसको करेगा, मेरे पास आएगा पेमेंट के लिए, क्योंकि वो मैंने साइन करके दिया हुआ है, ठीक है, समझ में, ठीक है। अब अगर मैंने नहीं दिया तो अब वो पीछे के हर एक पार्टी से जाके कंसल्ट नहीं करेगा, कंसेंट नहीं लेगा कि क्या मैं इनको सीयू कर दूं, इन्होंने तो डिसऑनर कर दिया इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा कोर्ट में जाएगा और मुझे सीयू करेगा कि मैंने अपने प्रॉमिसेस को जो मैंने एज ए सिग्नेचर इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे पुट ऑन किया हुआ है वो मैं क्या कर रही हूँ, नहीं उसको कीप कर रही हूँ, नहीं उसको मान रही हूँ और मैं उसको डिसऑनर कर रही हूँ, और कोर्ट अब मुझे बोलेगा कि आप उनको पे करिए विद सम पेनालिटी, विद सम फाइन, समझ में आया। Yes, ma'am. हम क्या होता है कि डिसऑनर्ड होने के बाद आपके आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ पेनाल्टी भी लगाना पड़ता है, कई बार आपका क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाता है, बैंक आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है, आपको लोन वगैरह देने से मना कर सकती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी का अगर चेक बाउंस, तुम लोग सुनते हो गए चेक बाउंस हो गया या फिर बिल डिसऑनर्ड हो गया, ये बहुत बुरा होता है, वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है, और हर एक बिजनेसमैन अपना मार्केट में क्रेडिट वर्दी बना के रखना चाहता है ना, क्योंकि कभी आ रहे तेरे समय में उसको कहीं से पेमेंट मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, इसलिए, ठीक है, ये समझ में आया।
तो जो भी जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो जाकर के मैच्योरिटी डेट पे प्रेजेंट करेगा, वो पेमेंट कर दिया वेल एंड गुड। अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया जो उसको भी पे करना है, तो वो सीधा उसको स्यू कर सकता है। उसको पुराने प्रायर पार्टी से कंसेंट लेने की या परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब कि तुरंत पेमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल जिस दिन आपके पास पेमेंट के लिए आया है, वो एक होता है जैसे कि कभी कभी एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है। चेक है तो चेक के केस में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, सीधा पेमेंट के लिए प्रेजेंट करिए, बैंक में जाइए प्रेजेंट करिए, जो भी आपने डेट डाला हुआ से 3 महीने के अंदर वो कभी भी प्रेजेंट करेगा, उसको बैंक को पैसा दे देना चाहिए। अगर आपके खाते में उतना पैसा नहीं है जितना का आपने चेक इशू किया हुआ, तो क्या होगा, वो इनसफिशियंट फंड करके रिटर्न कर देगा, है ना। और वो इनसफिशियंट फंड करके जो चेक रिटर्न होगा वो भी एक तरीके का डिसऑनर्ड है ना। और इसके लिए चेक आप बैंक क्या करेगी, आपके खाते से 250-300 रुपए डिडक्ट कर लेगी एज ए पनिशमेंट। एंड अगर ये बार बार हो रहा है तो आपको नोटिस भेजेगी, ठीक है। आएंगे हम लोग डिसऑनर्ड पढ़ने के लिए कि डिसऑनर्ड के केस में क्या क्या होता है। अभी इतना समझ लो कि डिसऑनर्ड अगर हो गया तो वो आपके क्रेडिट को खराब करता है। और प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है कि भाई ये कैश का इक्विवेलेंट है, जिस डेट को प्रॉमिस्ड है उस डेट को आप इतना पैसा मुझे दे दोगे, राइट। प्रिजम्पशंस, अब हम लोग आते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ प्रिजम्पशंस भी है, मतलब कुछ मान्यताएं या अवधारणा आप बोल सकते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के कुछ चीजें हैं जो सेक्शन 118 और 119 ऑफ दिस एक्ट में लिया गया है कि क्या क्या प्रिजम्पशंस है, क्या क्या अवधारणा है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रूव्ड और कुछ और इसमें कुछ साबित नहीं होता है। तो सबसे पहला कंसीडरेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाएगा वो किसी न किसी कंसीडरेशन के बदले जाएगा, है ना। अभी बताया ना कि अगर आपने बिना काम किए किसी और से पेमेंट ले लिया, चेक ले लिया, इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो वो आपका उस पर क्या है, बोनाफाइड राइट नहीं है, वो गलत तरीके से लिया गया है ना, और आपको कभी भी स्यू किया जा सकता है। लेकिन देखिए जैसे कि हमारे यहाँ मान लो कोई हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, तो जब वो बना देता है या पेंटिंग करने का ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जब वो कर देता तो हम उसको चेक दे देते हैं। वो चेक हम क्यों देते हैं, किसी उसके लेबर के बिहाफ में, है ना, उसके सर्विसेज के बिहाफ में, राइट। तो हमेशा जो yes. ये दिन होता है पैसे का, वो कुछ सामान के बदले में या कुछ सर्विसेज के बदले में किया जाता है। तो जब तक कोई बीच में कंसिडरेशन है तब तक वो वैलिड है। अगर आपने ऐसे ही ले लिया है तो फिर आप डिफॉल्टर हैं, आप बोनाफाइड होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं माने जाएंगे। तो कंसिडरेशन क्या है, सबसे पहला है कि अगर आपके पास चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है, तो मान्यता ये है कि आपके पास ये किसी ना किसी सर्विसेज या गुड्स के एक्सचेंज के बदले में पहुंचा है, क्लियर। यह अवधारणा है, समझ में आया। यस मैम। मतलब फर्स्ट प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं ना, कि प्राइमा फेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, बट एवर प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टा बोलते हैं, करेक्ट, याद आ गया मुझे। प्रथम दृष्टा मतलब पहली नजर में, एट ग्लांस, एट फर्स्ट जब हम देखेंगे तो हम यही समझेंगे कि इसके पास ये चेक है, इसका मतलब इसको ये चेक किसी ना किसी काम के बिहाफ में मिला है, ठीक है, ये मान्यता है। अगर आप इसको प्रूफ कर देंगे कि ये चोरी से लिया हुआ है तो ही वो प्रूफ होगा कि ये चोरी का, अदरवाइज ये माना जाएगा कि इसको इसके किसी काम के बदले में मिला हुआ ये चेक है, राइट। समझ में आया। ओके दूसरा है डेट। अगर डेट है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखा हुआ, तो क्या माना जाएगा कि ये, अब देखो किसी भी, मान लो कि मैं ये चेक 1 जनवरी को ही दे देती हूँ तोशी को, लेकिन मैं बोलती हूँ कि भाई अभी मत विड्रॉ करना, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है, तुम विड्रॉ करना है इसको, तुम मई में विड्रॉ करना, तो डेट में जनवरी का नहीं दूंगी ना, क्यों, जनवरी फरवरी मार्च वो स्टेल हो जाएगा, तो हो सकता है मैं उसको अप्रैल का डेट डाल दूं। दे मैं आज के डेट में रही हूँ, लेकिन चेक पे डेट कौन सा लिख रही हूँ, तो मैं 1 अप्रैल 2021 लिख रही हूँ। यानी क्या, उसके जो जैसे बैंक के लिए वो चेक किस दिन ड्रॉ किया गया, 1 अप्रैल को, ठीक है ना। मैंने फिजिकली अभी भले ही जनवरी में ही वो चेक दे दिया हो और बोला हो देखो मैं 1 अप्रैल का डेट डाल रही हूँ, तुम उसके बाद इसको विड्रॉ करना, राइट। लेकिन बैंक के पास ये प्रिजम्पशंस ये है कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन किया हुआ है,
राइट, वही डेट क्या है, वही डेट उसके ड्रॉ करने का डेट है, उसी दिन उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया और उस दिन से 3 महीना काउंट किया जाएगा। समझ में आया डेट का मतलब? समझ में आया? Yes, ma'am. जो डेट है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो डेट क्या होगा, ये माना जाएगा या मान्यता ये है कि उसी डेट को उस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया गया है, भले या पहले दे दे। ठीक है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, अनलेस अगेन लिखा हुआ, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूफ, जब तक कि कोई ये साबित ना कर दे तब तक क्या माना जाता है कि जो अगर वो एक्सेप्टेंस का डेट दिया हुआ है तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर नॉर्मली तब अप्लाई होता है जब एक्सेप्टेंस का डेट नहीं मेंशन होता है चेक पर, तब ये चेक पर यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, तब ये रहता है कि उसके मैच्योरिटी डेट से पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है ना, लेकिन अगर वो मेंशन है, मान लो उस पर मेंशन है कोई डेट कि हम फलाने डेट को ये एक्सेप्ट करेंगे, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है। मान लो 5 मार्च लिखा हुआ तो 5 मार्च वो आप प्रेजेंट कर दीजिए, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो देर इज सर्टेन डेट, जैसे चेक के केस में 3 महीने का है, ठीक है ना, उस डेट के बाद 3 महीने तक कभी भी आप देंगे तो वो एक्सेप्टेंस कर लिया जाएगा। तो जो भी रीजनेबल टाइम है और मैच्योरिटी से पहले का टाइम है, स्टेल हो जाने के बाद चेक तुम प्रेजेंट करोगे बैंक में तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी, क्या वो तुम्हें पे करेगी 3 महीने बाद? नहीं करेगी। वैलिडिटी उस चेक की, यही है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि रीजनेबल टाइम है और मैच्योरिटी से पहले, स्टेल होने से पहले आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पे एक्सेप्टेंस डेट लिखा होता है उस केस में कोई इशू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में। हाँ, क्या तोशी एक बार फिर से बोलना, इशू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में ना? बिल्कुल, डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में, इशू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में रीजनेबल टाइम पीरियड, ठीक है ना, उसमें जाकर। अच्छा, रीजनेबल टाइम पीरियड भी हम लोग पढ़ेंगे कि कब और कहाँ पे प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, बैंकिंग आवर जो है वर्किंग आवर के बीच में ही प्रेजेंट करना है, ऐसे नहीं कि तुम 6 बजे जाओगे और बोलोगे हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, नहीं, वर्किंग आवर कब तक है, 9 to 3, ठीक है ना, या 9 to 4 जो भी है, 10 to 4, उसी बीच में करना है। तो रीजनेबल टाइम इसीलिए बोला, टाइम, डेट और मैच्योरिटी से पहले, ठीक है, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। आप 6 बजे पहुंच रहे हो, रात के 12 बजे बैंक जा रहे हो, बोलो अरे बैंक बंद है, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो मेरा डिसऑनर्ड हो गया और डिसऑनर्ड का केस कर रहे हो, नॉट वैलिड, राइट? यस मैम। ठीक है, टाइम ऑफ ट्रांसफर, कब तक हम, अभी मैंने कहा इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन कब तक, जब तक कि उस चेक की या उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी है, ठीक है ना। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो 3 महीने के लिए वैलिड है या 2 महीने के लिए वैलिड, तो क्या 2 महीने के बाद भी हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, राइट? तो टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होना चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, उससे पहले जितना बार जितने लोगों को ट्रांसफर करना है करो, वो चलेगा, वो मान्य होगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं, उसके बाद तो आपको पेमेंट ले लेना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ऑर्डर का मतलब तुम लोग जानते हो, ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में रखा गया है, कुछ सामान ऑर्डर में रखा हुआ, मतलब एक क्रम में रखा गया है, होता है ना, ऑर्डर का मतलब सिक्वेंस में रखना किसी चीज को। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट का क्या मतलब हो गया कि अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूफ, दिया गया कि जब तक कुछ आप साबित ना कर दे अलग से साबित करने के लिए आपको एविडेंसेस चाहिए, ठीक है, आपको वो एविडेंसेस या विटनेसेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज लोग क्या मानेगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है एंड सोनी मैम ट्रांसफर टू तोशी, तोशी ट्रांसफर टू अंकेश, अंकेश ट्रांसफर टू साक्षी, साक्षी ट्रांसफर टू रूपाली, रूपाली ट्रांसफर टू हर्षित, तो ये क्या हो गया, इस सिक्वेंस में है ना, ये ऑर्डर में है ना, तो जिस ऑर्डर में नाम अपीयर हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसी ऑर्डर में माना जाएगा कि इसको इंडोर्स किया गया है, राइट? ये आगे पीछे नहीं, ठीक है, जिस ऑर्डर में वो नाम अपीयर होगा, मान्यता या अवधारणा ये है कि इसी ऑर्डर में चेक को या फिर इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, जिस ऑर्डर में नाम अपीयर होंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके, स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब कुछ नहीं, रजिस्टर्ड, जैसे हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जाकर के नोटरी में रजिस्टर्ड कराते हैं ना, उसी तरह के स्टैंपिंग का मतलब होता है कि अगर आपका
बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो भी है वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प्ड के केस में क्या होगा, अगर आपका ओरिजिनल खो भी जाता है तो आप आसानी से उसके डुप्लीकेट कॉपी को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक नोटरी के पास एक कॉपी रहेगा, उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। चेक के केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपका खोता है तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, बैंक को फोन करके या फिर अपना बैंकिंग सर्विसेज यूज करके स्टॉप पेमेंट करा लेते हैं। लेकिन बाकी सारे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के केस में स्टैम्प्ड होगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी केस में आपका खो जाता है ओरिजिनल कॉपी तो यू कैन गो फॉर इट, यू हैव एन एक्सेस टू डुप्लीकेट कॉपी, इसीलिए स्टैम्प्ड होना चाहिए। अवधारणा है कि आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी जरूर होगा नोटरी के पास, ठीक है, क्लियर, ये माना गया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, चलो इतना खत्म कर लेते हैं आज हम लोग। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट अभी राइट नाउ एग्जिस्ट कर रहा है, ही इज रिगार्डेड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगेन उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो अब जिसके पास गया वो हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा गुड फेथ में होगा, ठीक है ना। गुड फेथ में होने का मतलब अब समझ लो क्लियरली कि किसी ना किसी कंसिडरेशन के एवज में उसको वो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, राइट। अगर ये आपको गलती से मिला है तो देन यू आर नॉट सपोज टू बी देन होल्डर इन ड्यू कोर्स। वैसा व्यक्ति जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल तरीके से पहुंच गया है, दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर इज नॉट नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। जिनके पास वो लॉफुल तरीके से पहुंचा है उन्हीं को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। समझ में आया, फ्रॉड से या फिर किसी और तरीके से, चोरी से, अनलॉफुल तरीके से पहुंच गया है उनको हम होल्डर ड्यू कोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि होल्डर ड्यू कोर्स के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो स्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा आदमी क्या स्यू करेगा जो जिसने खुद गलत तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया है। समझ में आया? यस मैम। ओके, एंड प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट लास्ट पॉइंट है, समझ लो 119 सेक्शन है इसमें प्रिजम्पशंस में। एंड प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट का मतलब सिंपल होता है कि अगर किसी ने कोर्ट में ये केस कर दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट या ये चेक या ये बिल ऑफ एक्सचेंज या ये प्रोमिसरी नोट डिसऑनर्ड हो गया है तो कोर्ट उसको डिसऑनर्ड ही मानेगी, अनलेस एंड अंटिल जो दूसरा पार्टी वो इसको प्रूफ ना कर दे कि इट इज नॉट डिसऑनर्ड विलिंगली, ये किसी दूसरे तरीके से, यानी कि ये कहीं और आता था, मेरे पते पे नहीं आता था, है ना, मैंने जो पता दिया था उसको प्रेजेंट करने का, मेरे ऑफिस में ना आकर के किसी और के ऑफिस में जाकर प्रेजेंट करता था तो मैं कैसे उसको ऑनर करूंगा, है ना, है ना। तो जो भी जगह है वहां पे नहीं पहुंच पाता था, इसीलिए ये डिसऑनर्ड हुआ, कोई विलिंग डिसऑनर्ड नहीं किया मैंने। जब तक आप ये प्रूफ नहीं करते तब तक कोर्ट में किसका पलड़ा भारी रहेगा, उसका जिसने केस किया है कि ये डिसऑनर्ड कर दिया गया, कोर्ट उसको डिसऑनर्ड ही मानेगी। गलती से हो जाएगा तो फिर तो गलती से आप प्रूफ करिए ना, गलती से हो गया तो यू मस्ट हैव सम एविडेंसेस सो दैट यू कैन प्रूफ। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो कोर्ट मान लेगी कि ये गलती से हुआ है, ये डिसऑनर्ड इंटेंशनल नहीं है। अदरवाइज कोर्ट किसके फेवर में जाएगी, जिन्होंने किया है, जिनको आपने पेमेंट नहीं किया है उनके फेवर में जाएगी। दीज आर प्रिजम्पशंस, ठीक है ना। प्रिजम्पशंस मतलब नॉर्मली प्राइमा फेसी यही सारे चीजें हैं, ये जो 8 पॉइंट बताया यही माना जाएगा। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो फिर आपकी बात मान ली जाएगी। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, मुझे अभी ना एक मिनट, मैं ये क्लास को